और वैसे भी तुम्हें रूमी की तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी इतनी प्यारी दोस्त की बेटी में कोई कमी हो सकती है भला? और अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे बना लूं अपनी चौथी बेटी। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। हेलो रबिया। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहजहाँ बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाहिर है इतने अरसे के बाद मेरी कॉल गई, तुम तो तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया हुआ था। नहीं नहीं, मेरा तो वही सेम ही नंबर है। हाँ उस दिन जब मुलाकात हुई स्वयं पे तो सारी पुरानी बातें याद आ गई, मैंने कहा फ़ोन कर लो। बस ऐसे बैठे बिठाए चली गई, पता ही नहीं लगा, कुछ सुनने बताने का मौका ही नहीं मिला। अब जब वो चली गई हैं तो एहसास हो रहा है कितनी जिम्मेदारियां उठाई हुई थी उन्होंने। बस ये पुराने लोग नारियल की तरह के होते थे, ऊपर से सख्त और अंदर से नर्म, मीठे, लबरेज। हाँ मुझसे तो बहुत ही प्यार करती थी, रूमी का रिश्ता तय कर रही थी, मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया, कहने लगी तुम्हें क्या मसला है, मेरी पोती है, मेरी जहां मर्जी होगी वहां करूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे करूंगी रूमी का रिश्ता। अरे शाहजहां तुम तो रोने लगी। कैसे ना रोऊं, ये कैसे होता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं डरती हूँ कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए। तुम बताओ कैसे करते हैं बेटियों की शादी, तुमने तो माशाल्लाह से 3 बेटियां ब्याही है ना। इंसान कब कुछ करता है, अल्लाह करता है जो करता है। और वैसे भी तुम्हें रूमी की तरफ से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरी इतनी प्यारी दोस्त की बेटी में कोई कमी हो सकती है भला? और अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे बना लूं अपनी चौथी बेटी। मैं समझी नहीं क्या कह रही हो, क्या मतलब? अरे अपनी इकलौती बहू बना लूं तुम्हारी बेटी को। कौन रमीज? वो तो अभी बहुत छोटा सा है ना। छोटा नहीं, अब तो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, एड़ी उठा के देखती हूँ उसे नजर ना लगे, माशाल्लाह आर्किटेक्ट हो गया है। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।